आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी क्लास की सामाजिक राजनीतिक जीवन यानी कि SST की वर्क सोशल साइंस की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट का नंबर है 7। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम ले लेते हैं पहले एक पेन ताकि हमें काम करने में कुछ आसानी रहे, और फिर बढ़ जाते हैं हम आगे। वर्कशीट नंबर 7 और आज की तारीख है 16 अक्टूबर, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रूढ़िबद्ध धारणा। तो आपको याद है इस बारे में हम पीछे 2 वर्कशीटों में कुछ कुछ बातें कर चुके हैं कि रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है। मैं थोड़े से शब्दों में आपको याद दिलाने की कोशिश करती हूँ। हमारी बंधी बंधाई सोच, यानी कि किसी चीज़ के बारे में हम कोई सोच बना लेते हैं कि ये तो ऐसा ही है और इसमें बदलाव नहीं हो सकता या इसके अलावा और कुछ संभव ही नहीं है, तो ऐसी बंधी बंधाई सोच को हम बोलते हैं रूढ़िबद्ध धारणा, जिसमें हमने बहुत सारे उदाहरण पढ़े थे। आपको याद है जैसे हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों पे विश्वास नहीं किया जा सकता, या गांव के लोग कंजूस होते हैं, या शहर के लोग अपने घर वालों को या परिवार वालों को टाइम नहीं देते। इस तरह की बातों को हमने पढ़ा था कि रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम उनके पीछे की परिस्थितियों को जानने की कोशिश नहीं करते और अपनी एक राय कायम कर लेते हैं। तो जो राय कायम कर ली जाती है सभी लोगों द्वारा किसी निश्चित चीज़ के बारे में निश्चित राय, ये होती है रूढ़िबद्ध धारणा। आइए बढ़ जाते हैं आगे। सबसे पहले चित्र देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें रूढ़िबद्ध धारणा बोला गया है, दिया गया है, और रूढ़िबद्ध धारणा को देने के साथ साथ एक और खास बात जो है वो ये कि यहाँ पे हमें वो चीज़ें या वो परिस्थितियाँ दिखाई हैं जिन जिन परिस्थितियों में या जिन जिन जगहों पर माहौल में रूढ़िबद्ध धारणाएँ मौजूद हैं। आर्थिक स्थिति से रिलेटेड रूढ़िबद्ध धारणाएँ आपको मिलेंगी, आपको धर्म से रिलेटेड रूढ़िबद्ध धारणाएं मिलेंगी, यानी बंधी बंधाई सोच इनसे आपको मिल जाएंगी। उसके बाद हमें वंश से रिलेटेड, वंश मतलब परिवार, कुनबा, खानदान जिसे हम बोलते हैं, उससे संबंधित धारणाएं भी मिलेंगी। आपको भाषा से संबंधित धारणाएं भी मिलेंगी, जैसे हमने कहा कि गांव के लोग जो है वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते या उनको अंग्रेजी समझ नहीं आती। लिंग पर मिल जाएगी, जैसे लड़का लड़की और किन्नर। किन्नर आपको पता ही है, किन्नर से संबंधित कि किन्नर को लोग नौकरी पर रखना पसंद नहीं करते। धर्म से संबंधित धारणाएं हमें मिल जाती हैं कि मुस्लिम के बारे में अलग, हिंदुओं के बारे में अलग। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम कट्टर होते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदू जो है वो बहुत ऑर्थोडॉक्स होते हैं, या इस तरीके की कोई भी बात। इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई हमें अलग अलग तरह की रूढ़िबद्ध धारणाएं मिल जाएंगी। तो अगर आसान शब्दों में कहें तो हमें ज़्यादातर चीज़ों से जुड़ी हुई रूढ़िबद्ध धारणाएं मिल जाती हैं। तो आइए आज बढ़ते हैं आगे और कुछ बातों को देखते हैं। यहाँ हमें कुछ वाक्य दिए हैं और हमें कहा है कि पहले पढ़ें हम इन्हें, तो चलो पढ़ लेते हैं। लड़के रोते नहीं हैं, तो क्या सच में लड़के रोते नहीं हैं? डेफिनेटली लड़कों को भी चोट लगती है, उन्हें दर्द होता है, उन्हें भी भावनात्मक समस्याएं महसूस होती हैं, जैसे उन्हें याद आ सकती है, उन्हें किसी बात का बुरा लग सकता है। तो लड़के भी रोते हैं, लेकिन लड़के रोते नहीं हैं, ये वाक्य आपने कब सुना है? जब कोई लड़का रोता है तो उसे अक्सर लोग ये कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। तो लड़कों को रोना आता है, लेकिन लड़कों को रोने से मना कर दिया जाता है, क्या कहकर कि लड़के रोते नहीं हैं इसलिए आप मत रोइए। अब दोबारा दूसरी चीज पढ़ते हैं। लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं, तो क्या सही में? हमने पीछे वर्कशीट्स को जब हम कर रहे थे, पिछली वर्कशीट्स में हमने पढ़ा था संजीव कपूर का नाम, कि वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और आज पूरी दुनिया उन्हें जान रही है सिर्फ खाने की वजह से, और वो एक पुरुष हैं। तो ये देखिए, ये भी एक रूढ़िबद्ध बात हो गई, ये भी एक रूढ़िबद्ध बात हो गई। और लड़कियों को कहा जाता है कि आप ही अच्छा खाना बनाएं, जबकि पुरुष भी अच्छा खाना बना सकते हैं। अब उसके आगे बढ़ें तो लड़कियों को घर का काम आना चाहिए, न कि पढ़ाई, जबकि हकीकत ये है कि लोग ऐसा कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाई वढ़ाई आए या ना आए, घर का काम करना आना चाहिए। लेकिन सच ये है कि अगर लड़कियों को पढ़ाई आती है या वो पढ़ना जानती हैं, तो वो अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं, बहुत सारे काम कर सकती हैं,
नौकरी भी कर सकते हैं, अगर नौकरी नहीं भी करना चाहिए तो घर में भी पढ़ाई की जरूरत होती है। जैसे आप कोई दवाई देना चाहते हैं छोटे बच्चों को या घर के बुजुर्गों को, तो अगर आप दवाई का नाम नहीं पढ़ पाएंगे तो कैसे काम चलेगा? आजकल बहुत सारी चीज मार्केट से आती हैं, सब पैकिंग में आती हैं, उनके ऊपर नाम लिखे होते हैं, आप पढ़ नहीं पाएंगे तो कैसे चलेगा? तो अब बढ़ते हैं आगे। कुछ लोग मानते हैं कि गांव के लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते, तो क्या सच में गांव के लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं? तो ऐसा नहीं है, ज्यादातर लोग पढ़ने लिखने के बाद नौकरियों पर लग जाते हैं और गांव को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई भी करते हैं और गांव में ही रहते हैं और कृषि कार्य को संभालते हैं, और वो अंग्रेजी बोलना और समझना दोनों जानते हैं। लोगों के बीच में ये बात भी प्रचलित है कि जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग का मतलब होता है जिनके पास जो कुछ जिनके कुछ अंग जो है वो विशेष हैं, या कुछ अंग विशेष हैं और कुछ अन्य अंग जो है वो कार्य नहीं करते हैं। जैसे किसी की आंखें खराब हो सकती हैं, किसी का कान खराब हो सकता है, किसी के हाथ में कोई दिक्कत हो सकती है जिससे उसे कार्य करने में दिक्कत होती हो। तो यहाँ लिखा है कि जो दिव्यांग है, जिसको इस शरीर की इस तरह की कोई भी दिक्कत है कोई भी, तो उसको अधिक देखभाल की जरूरत होती है। तो क्या सच में ऐसा है? हर स्थिति में ऐसा नहीं है कि उन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे दिव्यांग हैं जिन्होंने आज पूरी दुनिया में अपना नाम किया है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्या उपरोक्त वाक्य सत्य हैं? तो हर वाक्य को बताते हुए मैंने आपको बताया कि ये सभी बातें जो हैं सच नहीं हैं, ये बातें गलत भी हैं, और इनके उदाहरण ही मैंने आपको दिए कि किस तरह गलत हैं। तो हमने कहा कि नहीं, ये सब रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, ये बातें सच नहीं हैं। अब पढ़ते हैं आगे। हम लगातार यह सुनते रहे हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, जैसे लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं, क्योंकि सब कहते हैं इसलिए हम सोचते ही नहीं, हम मान लेते हैं, हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इसके अनुसार ही होना चाहिए। जैसे कहा जाता है लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए या लड़कियों को घर के काम ज्यादा सीखने चाहिए, और हम मान लेते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा क्यों मान लेते हैं बिना सोचे समझे? हम क्यों ये मान लेते हैं कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए? लड़के क्यों नहीं रो सकते? उन्हें दर्द होता है तो वो निश्चित ही रो सकते हैं। अगर हम बात करें कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, घर का काम करना चाहिए, तो क्यों? लड़कियां निश्चित ही पढ़ सकती हैं, वो बड़ी से बड़ी ऑफिसर बन सकती हैं, वो बड़े से बड़ा काम कर सकती हैं, और पढ़ लिखने के बाद भी वो घर का काम संभाल सकती हैं। इसी तरीके से हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखने लगते हैं जिस तरीके से हम आज तक सुनते आए हैं कि लड़कियों को ऐसा होना चाहिए, लड़कों को वैसा होना चाहिए, लड़कियों को खेलों में भाग नहीं लेना चाहिए, लड़कियों को पहलवानी नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को कुश्ती नहीं करनी चाहिए, लड़कों को नृत्य नहीं करना चाहिए, या लड़कों को घर के रसोई घर में काम नहीं करना चाहिए, लड़कों को काम ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाना चाहिए, लड़के झाड़ू नहीं लगाते, उन्हें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। क्यों नहीं लगानी चाहिए? कोई कारण? लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के ताकतवर होते हैं, क्या ये जरूरी है? ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कोई लड़की ज्यादा ताकतवर हो सकती है, कोई लड़का कमजोर भी हो सकता है। लड़के पढ़ने में अच्छे होते हैं, लड़कियां भी पढ़ने में अच्छी होती हैं। तो इस तरह की बातें जब हम करते हैं कि लड़के इंजीनियर होने चाहिए, लड़के कुक नहीं होने चाहिए, यानी रसोईया नहीं होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लड़का जो चाहता है वो कर सकता है। अगर लड़के को फ्रॉक पहनने का मन है तो वो पहन सकता है, कपड़े हैं उसकी मर्जी, वो कुछ भी पहने। लड़की का अगर जींस पहनने का मन है तो वो पहन सकती है, उसकी मर्जी, वो कुछ भी पहने। तो अब हम बात कर रहे हैं, हम सोचते ही नहीं हैं कि लड़कियों को गुड़िया से खेलना चाहिए, लड़कों को बंदूक से खेलना चाहिए। क्यों लड़की बंदूक से क्यों नहीं खेल सकती और लड़का गुड़िया से क्यों नहीं खेल सकता? अगर लड़के को गुड्डा गुड़िया पसंद है, बर्तन वाले खिलौने पसंद हैं, तो वो डेफिनेटली खेल सकता है उनके साथ। तो ये हैं बहुत सारी बातें जिन पर हम सोचते ही नहीं हैं। तो ये जो बंधी बंधाई सोच है कि लड़कों को यही करना है, लड़कियों को यही करना है, यही है रूढ़िबद्ध धारणा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो चलो आगे पढ़ लेते हैं। इस प्रकार की धारणा हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम देख नहीं पाते उस व्यक्ति के कुछ खास गुण, कुछ क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। देखिए हमारी वर्कशीट की लास्ट वाली लाइंस कितनी बड़ी बात कह रही हैं।
क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि जो बातें कही गई हैं उन्हीं को फॉलो करना है, उन्हीं को मानना है और वैसा ही है, उसके अलावा नहीं है और चीज़ें। ऐसा सोचने की वजह से हम किसी के अंदर की खूबी नहीं देख पाते। जैसे कुछ लड़के जो है वो बहुत अच्छे कपड़े बनाते थे, आपने दर्जी देखे होंगे, कुछ दर्जी होते हैं बहुत अच्छे कपड़े बनाते, हम उनकी काबिलियत देख ही नहीं पाते कि वो इतने अच्छे कारीगर हैं। कुछ लड़के बहुत अच्छे जो है कटिंग करते हैं, हेयर कटिंग करते हैं, और वो भी फीमेल के बालों की, स्त्रियों के बालों की, हम उनकी कला को देख ही नहीं पाते कि उनके अंदर ये कला है। ये लड़के या लड़की का काम नहीं है, ये कला है। कुछ लड़के मेहंदी, कितनी सुंदर मेहंदी लगाते हैं, कला है, हम देख ही नहीं पाते कि उसके अंदर एक खूबी है। इसी तरह से लड़कियों के अंदर खूबियाँ हैं, बहुत सारी खूबियाँ हैं। जैसे कुछ लड़कियाँ इलेक्ट्रिसिटी का काम बहुत अच्छा कर लेती हैं, हम देख ही नहीं पाते, मना कर देते हैं, लड़कियों को इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं करना चाहिए, लड़कियों को इन कामों को नहीं छेड़ना चाहिए, इस काम के लिए अपने भाई को बोलो, इस काम के लिए अपने पापा को बोलो। क्यों नहीं? हम नहीं देख पाते कि उनके अंदर ये टैलेंट है काम करने का। हम उसी काम को करते हैं जिस काम को करने की हमारे अंदर कला है, उस काम की ओर हम आकर्षित होते हैं जिस काम को हमारे अंदर करने की क्षमता है, और इन क्षमताओं को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, देख ही नहीं पाते, क्योंकि हम हमेशा सबको यही बोलते रहते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए और तुम्हें ये करना चाहिए। और यही सोच हमें एक दूसरे के अंदर की कला को, क्षमताओं को, खूबियों को देखने से रोक देती है। तो कौन सी चीज़ रोक देती है? रूढ़िबद्ध धारणा रोक देती है। तो चलो आज देखें हमने क्या सीखा और आपको इस बारे में और क्या क्या पता है। कुछ उदाहरण देने हैं। इन्होंने हमें बोला है कि पश्चिमी कपड़े पर एक उदाहरण दीजिए जो रूढ़िबद्ध धारणा से पर हो, गांव वालों पर भी और विदेशी पर भी। तो मैंने अपनी तरफ से कुछ उदाहरण लिखे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके पास कुछ और उदाहरण भी होंगे। तो आप चाहें तो यही उदाहरण लिख लीजिए और अगर मन करे तो कोई दूसरे उदाहरण भी लिख सकते हैं। पश्चिमी कपड़े, अक्सर लोग ये मानते हैं कि जो पश्चिमी कपड़े पहनते हैं, पश्चिमी कपड़े मतलब आपने सुना होगा इंग्लिश में हम बोलते हैं वेस्टर्न ड्रेसेस, तो जो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं वो आधुनिक यानी कि मॉडर्न होते हैं और ओपन माइंडेड, खुले विचारों के होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनकी ड्रेसेस तो वेस्टर्न होती हैं यानी पश्चिमी कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत ही छोटी होती है, खुले विचार की नहीं, उल्टी दिखाई देती है, उसकी विपरीत होती है। और ऐसे बहुत सारे आपको लोग दिखाई देंगे जो ओढ़ने पहनने शिक्षा से तो बहुत आगे हैं, लेकिन उनकी सोच इतनी छोटी है कि गर्भपात करवाना, यानी अगर पेट में कन्या है, बेटी है, तो उन्हें उसका पता लगवाएंगे और फिर उसके बाद उसको पेट के अंदर ही मार देंगे। तो ये सोच छोटी हुई कि बड़ी हुई? छोटी सोच हुई, ये खुले विचार थोड़ी ना हुए। तो वेस्टर्न कपड़े होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई इंसान आधुनिक या खुले विचारों वाला हो, लेकिन हमारे समाज में ये मान्यता है कि जो ऐसे कपड़े पहन रहा है वो ज़रूर आधुनिक होगा, खुले विचारों वाला होगा। गाँव वालों के बारे में अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें अंग्रेजी भाषा नहीं आती होगी। विदेशी लोगों के बारे में लोग अक्सर सोचते हैं कि सारे विदेशी जो है छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, जबकि ऐसा है, ये कोई बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ये थी पहले प्रश्न के छोटे छोटे आंसरों के साथ हमारी वर्कशीट का ये वाला हिस्सा। अब हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये क्या है? इन्होंने हमें कहा है लड़के और लड़कियों से जुड़ी चार रूढ़िबद्ध बातें लिखनी है। तो लड़कों से जुड़ी चार बातें हैं, जैसे हम कहते हैं लड़के बहादुर होते हैं, भाई कुछ लड़के डरपोक भी होते हैं, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, ये रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, क्यों? उन्हें दर्द नहीं होता, वो रो सकते हैं। फिर लड़कों को रसोई घर में सहयोग नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? अगर उनको अच्छा लगता तो निश्चित ही करना चाहिए, और उनकी मम्मी हैं, उनकी बहनें हैं, उनको भी तो काम करने में दिक्कत होती है, और खाना तो घर में लड़के भी खाते हैं, घर के सारे चीज़ों का उपभोग करते हैं, जब उपयोग और उपभोग सब कर रहे हैं तो मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? निश्चित ही लड़कों को घर के काम में मदद करनी चाहिए, चाहे वो कपड़े धोने हों, चाहे वो बर्तन धोने हों, चाहे वो कोई दूसरा काम हो, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि लड़के शादी के बाद नौकरी करेंगे, उनकी पत्नियां घर में काम करेंगी, भाई काम करेंगी घर में, साथ में माता पिता की सेवा करेंगी। भाई जो दूसरे घर से लड़की आपसे शादी करके आएगी वो आपके माता पिता की सेवा करेगी और अपने माता पिता को छोड़ कर आएगी, तो कितनी अटपटी बात है कि माता पिता आपके और आप सेवा किसी और से करवाएंगे। तो लड़के होने के नाते आपको सभी काम सीखने चाहिए ताकि आप अपने माता पिता की सेवा स्वयं कर सकें। तो अब चौथी बात, लड़के शक्तिशाली होते हैं। जरूरी थोड़ी है कि सभी लड़कों में बहुत सारी ताकत हो, सभी जो है भीम हो, भीम नहीं होते हैं सब,
सामान्य भी होते हैं। अब बढ़ते हैं लड़कियों से जुड़ी चार रूढ़िबद्ध बातों के बारे में। लड़कियों के घर के कामकाज में दक्षता, लड़कियों को घर के कामकाज में दक्षता हासिल करनी चाहिए। इसे को कर लीजिए, यहाँ पे ये के हो गया है, को कर लीजिए इसे। तो सिर्फ कामकाज में, घर के कामकाज में दक्षता क्यों हासिल करनी चाहिए, उसके अलावा कामों में भी तो उसे दक्षता हासिल करनी चाहिए, तभी तो जीवन अच्छे से चलेगा। कल को अपने जीवन साथी के साथ भी वो आज के महंगाई के जमाने में साथ खड़ी हो सकती है। फिर लड़कियों को देर रात तक घर से बाहर नहीं रुकना चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं रुकना चाहिए? आसमान के तारे, रात की बिजली, लाइट, रोशनी, चकाचौंध देखने का अधिकार सिर्फ लड़कों को ही है, लड़कियां नहीं देख सकती? बिल्कुल देख सकती हैं। उसके बाद लड़कियों को घर के पुरुषों से बहस नहीं करनी चाहिए और उनकी सारी बातें माननी चाहिए। क्यों माननी चाहिए? लड़कियां नौकरानी हैं क्या, या पुरुष जो है वो राजा महाराजा हैं? पुरुष काम करते हैं तो स्त्रियां घर में उससे कहीं ज्यादा काम करती हैं, तो उन्हें बोलने का अधिकार क्यों नहीं है? संविधान अधिकार देता है बोलने का, बराबरी का, तो आप क्यों घर में ये अधिकार स्त्रियों से छीनते हैं या लड़कियों से छीन सकते हैं? तो ये बिल्कुल गलत है। लड़कियों को खेलों में भाग नहीं लेना चाहिए, निश्चित ही लेना चाहिए। खेलते कूदते रहेंगे तभी तो लड़कों की तरह कहा जाता है कि लड़के मजबूत होते हैं, लड़कियां मजबूत नहीं हैं। खेलेंगी नहीं, कूदेंगी नहीं तो मजबूत कैसे होंगी? तो खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, मजबूत बने रहना चाहिए। तो ये थी आज की बहुत अच्छी सी प्यारी सी नॉलेज वाली वर्कशीट, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको आई होगी पसंद और आप कुछ ना कुछ इसे ज़रूर सीखे होंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान, उस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसको क्लिक कर दें, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, मतलब रेड कलर भी चेंज हो जाएगा। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, और उसके बाद क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये सभी बातें और सबको पता होनी चाहिए, इसलिए वीडियो के नीचे आ रहा है एक शेयर का निशान, शेयर पर क्लिक करें। और अब आप इस वीडियो को अपनी क्लास के और दूसरे सेक्शंस के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो फटाफट से FB, व्हाट्सएप, जिस मर्जी उस पर इसे शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी प्यारी सी और नॉलेजेबल वर्कशीट के साथ। थैंक यू।